हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नए वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओमनी भारत डिफेंस केस के बारे में। ये एक ऐसा स्मॉल केस है जो कि डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, और आप जानते हैं कि इंडिया में डिफेंस के ऊपर कितनी प्राथमिकता दी जा रही है। जब से मोदी सरकार है, मोदी सरकार का एक ही मिशन है कि हम डिफेंस में और अग्रसर होएं, और डिफेंस का जो बजट है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस बजट इन द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया के पास अभी पूरे संसार में थर्ड लार्जेस्ट बजट है। तो इंडिया बहुत ज़्यादा डिफेंस पे खर्च कर रही है, क्योंकि डिफेंस हमारा मजबूत रहेगा तो दुश्मन का आक्रमण कम होगा। तो इसलिए जो ये ओमनी भारत डिफेंस है, इसमें जितनी भी कंपनियाँ हैं वो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है और काफ़ी अच्छा कैगर रिटर्न दे रही है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। और हमारे पास जो हम स्मॉल केस की वेबसाइट पे आ गए हैं, और हमारे पास है ओमनी भारत डिफेंस एंड इट इज़ मैनेज बाय ओमनी साइंस कैपिटल। ओमनी साइंस कैपिटल इज़ अ कंपनी विच इज़ मैनेजिंग दिस स्मॉल केस एंड डिफेंड भारत विथ एन अटैकिंग पोर्टफोलियो। ऑब्वियस है, वेपन्स बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, तो ऑब्वियस है इट इज़ ए अटैकिंग पोर्टफोलियो। इसके की पॉइंटर क्या हैं कि एट 73 बिलियन US डॉलर इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट बजट ऑफ डिफेंस सेक्टर, यानी कि अभी 73 बिलियन US डॉलर का डिफेंस बजट है इंडिया का, जो कि थर्ड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। 2020 में एक प्लान हुआ था जिसके तहत डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो 80,000 करोड़ है उससे बढ़ के 1,75,000 करोड़ हो जाएगा, और एक्सपोर्ट जो है 35,000 करोड़ हो जाएगा 2025 तक। द पोर्टफोलियो प्रोवाइडेड एक्सपोजर टू डिफेंस कंपनी विथ स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी मोड्स सच एस टॉर्पेडोज एंड मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, सबमरीन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक्सेट्रा। तो ये जितने भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं डिफेंस में, चाहे सबमरीन बनाना हो, फाइटर जेट्स हो, मिसाइल, एयरक्राफ्ट कैरियर, तो ये सब पे प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस स्मॉल केस में आप ऐसी कंपनियों को फाइंड आउट करेंगे जो इन सभी सेगमेंट में काम करती हैं। और इस पर्टिकुलर स्मॉल केस का जो रिटर्न है वो 3 ईयर का कैगर रिटर्न है 102.65%। तो आप समझ सकते हैं कितना शानदार रिटर्न है। तो 102% का रिटर्न है, यानी हर साल आपका पैसा डबल हो रहा है। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसमें वो है 73,381 रुपये, यानी कि 73,381 रुपये दे के आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ इसमें अपने पोर्टफोलियो को चालू कर सकते हैं। इसके कुछ पोर्टफोलियोज के एक्सेस प्लान हैं जिसके द्वारा आप प्लान ले सकते हैं, तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लान की डिटेल क्या है। तो प्लान का मतलब यह है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। सी ऑल प्लान 5,900 रुपये में आपको 6 महीने का प्लान मिल जाएगा, यानी कि सब्सक्रिप्शन फीस है, यानी कि ऑलमोस्ट समथिंग अराउंड 1,000 रुपये के आसपास पड़ गया आपका ये सब्सक्रिप्शन फीस। अगर हम 5,900 को डिवाइड करें समथिंग 6 से तो 983 रुपये पड़ गया। तो 983 रुपये में आपको पर मंथ का प्लान मिल जाएगा, और उसके बाद आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 63,381 रुपये की, जो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। तो इसके कुछ मैथडोलॉजीज है वो भी हम जान लेते हैं। डिफाइनिंग द यूनिवर्स, ऑल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आर इंक्लूडेड इन द यूनिवर्स। रिसर्च कॉन्स्टेंट स्क्रीनिंग, तो कुछ मैथडोलॉजीज इन्होंने सिंपल है, फैक्ट शीट देख लेते हैं क्या है इसमें, जो कि मैंने बताया वही सिम चीज़ें हैं रैशनल्स में। चलिए इसके बारे में यहाँ से पढ़ते हैं। तो लमसम टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ए लमसम ऑफ 5 लाख रुपीज़, यानी कि इन्होंने पहले बता रखा है कि अगर आपको इस पोर्टफोलियो से अच्छा खासा पैसा कमाना है तो आप कम से कम 5 लाख का पोर्टफोलियो बनाएं, तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। 5 लाख से अगर कम का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप बढ़िया पोर्टफोलियो डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे और बढ़िया रिटर्न ही बना पाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको 1,000 रुपये की तो फीस ही देनी है सब्सक्रिप्शन फीस, जो कि पर मंथ के हिसाब से है। तो ऐसे में आपको सब्सक्रिप्शन फीस तो हटा दीजिए, तो ऐसे में अगर आप 5 लाख से ऊपर लगाएंगे पैसे तभी आपका एक अच्छा खासा रिटर्न बन पाएगा। अगर SIP भी कर रहे हैं तो आप 10,000 पर मंथ की SIP करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और होल्डिंग पीरियड है इसके लिए 5 साल का होल्डिंग पीरियड है। इस पोर्टफोलियो को अगर आप बनाते हैं, रखते हैं, तो आप 5 साल के लिए रखें और कम से कम 3 साल। तो ये मेनली 3 की पॉइंटर्स हैं
जो कि इन्होंने बता रखा है कि 5 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है, 10,000 की SIP भी कर सकते हैं अदरवाइज में, और होल्डिंग पीरियड है 5 साल अदरवाइज 3 ईयर, कम से कम 3 साल तो होना ही चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो जैसे हमने नीचे स्क्रॉल किया तो इनका जो परफॉर्मेंस है उसको इक्विटी मल्टीकैप से कंपैरिजन हो रहा है। और हम देख लेते हैं एक साल में अगर हमने 100 रुपये एक साल पहले लगाए होते इक्विटी मल्टीकैप में जो कि इनका बेंचमार्क है तो वहाँ पे आपकी वैल्यू होती 138 रुपये 72 पैसे। वहीं पर अगर हमने ओमनी भारत डिफेंस में पैसा लगाया होता 100 रुपये तो उसकी वैल्यू होगी 305 रुपये 52 पैसे। तो आप समझ सकते हैं समथिंग 100 रुपये सीधा 305 बन रहे हैं, यानी कि 3 गुना पैसा आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। वहीं पर हम 3 साल की बात करें तो 100 रुपये की वैल्यू जो है 164 रुपये 62 पैसे इक्विटी मल्टीकैप में, वहीं पर ओमनी भारत डिफेंस में 793 रुपये 4 पैसे। तो समथिंग अराउंड 8 गुना पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 साल में। और मैक्सिमम रिटर्न की बात की जाए तो मैक्सिमम रिटर्न में 100 रुपये की जो वैल्यू है इक्विटी मल्टीकैप में 189.43 है, वहीं पे ओमनी भारत डिफेंस में 882 रुपये 18 पैसे है। तो सीधा 9 गुना के आसपास पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये पोर्टफोलियो कब से चालू हुआ है, 7 जनवरी 2021 से इस पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया गया है और ये ओमनी भारत डिफेंस अपने एक्शन में आया है। और SIP के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, SIP के माध्यम से आप करेंगे तो 100 रुपये की वैल्यू ये देखिए यहाँ पे बढ़ती हुई जा रही है। और ये क्योंकि SIP हम हर महीने करते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप 3400 करते हैं तो उसकी अगर वैल्यू इक्विटी मल्टीकैप में 3926 है, वहीं पर ओमनी भारत डिफेंस में 8522 उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों तरीके में। और ओमनी साइंस कैपिटल इज द मैनेजिंग कंपनी और जो कि इसको संभालती है। दे आर द एक ग्लोबल इक्विटी स्पेशलिस्ट फाउंड बाय IITN विद कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 40 ईयर्स, यानी कि उनको 40 साल का एक्सपीरियंस है थीमेटिक पोर्टफोलियोज में। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, स्टॉक एंड वेटेज क्या है, कैसे इसमें स्टॉक्स हैं। इसमें बेसिकली अगर हम देखा जाए तो इसमें 18 स्टॉक्स हैं एट प्रेजेंट, 18 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। और लास्ट जो रिबैलेंस हुआ था 22 अप्रैल 2024 को हुआ था, और जो रिबैलेंस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली बेसिस पे है। और नेक्स्ट रिबैलेंस है 22 जुलाई 2024 को, यानी कि अभी जून चल रहा है तो अगले महीने 22 तारीख को रिबैलेंस की अपडेट आने वाली है जो कि आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो इनकी जो रिबैलेंसिंग होती है, रिबैलेंसिंग का मतलब होता है कि कुछ आपके नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं उनको एलिमिनेट करते हैं, और कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक होते हैं जो कि मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो उसको ऐड किया जाता है समय समय पर, तभी आपका पोर्टफोलियो हमेशा हरा भरा रहता है और उसे ग्रीन रहता है और आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव मोमेंटम में आगे बढ़ता रहता है। चलिए इसके होल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान लेते हैं कि होल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी परसेंटेज कंपनियाँ कितना कंपनियाँ हैं। तो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों में इनका सेगमेंट है। लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, 49% ऑफ द कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप कंपनीज, एंड मिड कैप कंपनीज में केवल 27.50% पैसा आपका लगाया जाएगा। वहीं पे स्मॉल कैप की बात की जाए तो 23.5% पैसा लगाया गया। तो ऐसे में देखा जाए तो इट इज़ अ मल्टी कैप पोर्टफोलियो, तो हर एक कंपनी में पैसा लगा जा रहा है, यानी कि हर एक साइज़ की कंपनी, चाहे हम लार्ज कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है या स्मॉल कैप कंपनी है, तो पैसा आपका हर तरीके की कंपनी में लग रहा है तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द काइंड ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ ओमनी भारत डिफेंस एंड दे आर प्रोवाइडिंग ए वेरी गुड रिटर्न ऑफ 102%, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है 102.65 का, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। बट दिस इज़ द हाईली वॉलेटाइल इन स्मॉल केस, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है जैसा कि लिखा भी है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप ध्यान दीजिए कि 63,386 है, और इसका जो प्लान का मतलब सब्सक्रिप्शन फीस है वो 5,900 रुपये है 6 महीने के लिए। तो मेन जो की पॉइंट्स हैं वो आपको मैंने बता दिए। की पॉइंट्स में इनका है कि 5 लाख का पोर्टफोलियो अगर आप बना रहे हैं तो आप इसमें लगा सकते हैं लमसम में। अगर SIP करना है तो 10,000 के SIP से भी आप चालू कर सकते हैं। और होल्डिंग पीरियड जो है इसका 5 साल होना चाहिए, कम से कम आपको रखना है तो 3 साल तो रखना ही चाहिए, तभी आप इसका
जादू दिखेंगे, नहीं तो घाटा भी हो सकता है। अगर आपको भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।